हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तभी से हर कोई फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। जहां एक तरफ हर कोई फिल्म की तारीफ कर रहा है, वहीं बहुत से लोग इस फिल्म को वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बता रहे हैं, जो कि खिलाड़ी कुमार को रास नहीं आ रहा है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस फिल्म को वुमेन ओरिएंटेड कहे जाने को लेकर बताया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस फिल्म को सभी वुमेन ओरिएंटेड क्यों कह रहे हैं। अगर हम समानता की बात करते हैं तो एक फिल्म जिसमें एक्ट्रेस ज्यादा है तो उसे वुमेन ओरिएंटेड क्यों कहा जा रहा है। लोगों को इसे केवल एक फिल्म के तौर पर देखना चाहिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें भारत के मास मिशन को दिखाया गया है, एक ऐसा मिशन जिसमें सभी ने अपनी भागीदारी दी और उसे सफल बनाया। अक्षय ने आगे कहा, मैंने ये फिल्म सही मायनों में बच्चों के लिए की है। हमारे देश में साइंटिस्ट के तौर पर बहुत कम बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे इस फिल्म को देखें और साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा लें। तो देखा आपने, खिलाड़ी कुमार ने उन सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है जो इस फिल्म को वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बता रहे थे। बता दें कि फिल्म में अक्षय के अलावा विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, नित्या मेनन, कीर्ति कुल्हारी और शर्मन जोशी दिखाई देंगे। जगन शक्ति के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। इसी दिन जॉन की बाटला हाउस भी रिलीज होने वाली है। ऐसे में इस दिन दर्शकों को जोरदार टक्कर देखने को मिलेगा। वैसे आप अक्षय की फिल्म मिशन मंगल को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एकदम सामने।
सेंटर सेंटर अच्छे से लेफ्ट 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 बच्ची जी लेफ्ट मैम मैम अक्षय सर यहाँ पे सुधा मैम यहाँ पे साक्षी मैम बेस्ट हाँ वेट वेट यहाँ राइट साइड ऑल ऑफ यू राइट साइड हाँ चलो अभी थैंक यू सेंटर यहाँ सर अच्छे सर अच्छे सर यहाँ पे अच्छे सर यहाँ पे थैंक यू थैंक यू सेंटर सेंटर सर अच्छे सर यहाँ पे अच्छे सर यहाँ पे भाई।